हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिकनेस। तो आज हम पढ़ेंगे जू स्टोरी की स्टोरी। ये जो प्ले है ये लिखा है एडवर्ड एल्बी ने। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरी बातों को सुनना या तो हेडफोन्स, ईयरफोन जो भी आपके पास हो, ईयरबड्स या फिर फ़ोन स्पीकर पर डाल के आराम से, ध्यान से, शांति वाली प्लेस पर बैठ जाओ और मुझे बस सुनो। मैं आपको इसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो जो स्टोरी है ये एक वन एक्ट प्ले है, ठीक है। और ये लिखा गया था एडवर्ड एल्बी के द्वारा 1958 में, यानी कि 1958 में, उसके एक साल बाद कितना होएगा, 1959, यानी कि 59 में ये क्या हो गया था, पब्लिश्ड हुआ था। इसके अंदर मेनली दो करेक्टर हैं और दोनों ही मेल हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ उनके नेम क्या है। एक तो पीटर है, पीटर एंड जेरी, ये दो करेक्टर हैं और इन्हीं के बीच में सारा गुजारा जो प्लॉट है वो सारा रिवॉल्व करता है। और जो एडवर्ड एल्बी है इसके अंदर उन्होंने एक ही वो रखा गया है, एक ही एक्ट है, एक मतलब कि जो स्टोरी उसके अंदर एक सेंट्रल पार्क के अंदर इसका सारा जो सीन है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सीन ऐसे होता है कि जो जेरी है और जो पीटर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, जो हम बात करेंगे पीटर के बारे में, जो पीटर है ना वो बैठा हुआ होता है एक सेंट्रल पार्क के अंदर और वो संडे की दोपहर होती है, पूरी अच्छे से सूरज निकला होता है, सनी संडे होता है आफ्टरनून में। तो वो एक बेंच के ऊपर बैठ के क्या कर रहा होता है, एक बुक पढ़ रहा होता है। जो पीटर है वो 40 साल का है और जो जेरी है वो 30 साल का है। मतलब कि इनकी एज में कितना डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। पीटर है 40 साल का और जो जेरी है वो 30 साल का है। तो बैठ के वहाँ पे अपनी बुक पढ़ रहा होता है। मैं तो वहाँ पे कौन आ जाता है, जेरी आ जाता है। पीटर अबाउट हिज टॉपिक ही आस्क मैनी क्वेश्चन टू पीटर। तो वो जब जेरी वहाँ पे आता है तो वो उससे आते ही ना पीटर से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देता है, उसकी जॉब के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में। पहले तो जो पीटर है वो उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। जैसे कि अभी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ तो आपको पूरा इंटरेस्ट बैठा हुआ कि मैं मेरी बातें सुनो, मेरी स्टोरी सुनो। बट अगर आपको कोई डिस्टर्ब करे तो आप थोड़ा इरिटेट हो जाओगे। सेम सिचुएशन पीटर के साथ है। जो पीटर है वो क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो वो बहुत मतलब कि इरिटेट्स हो जाता है जब उसको जो जेरी है वो आके तंग करता है, बट उसके पास कोई चारा नहीं होता। तो फिर वो उसको लेट गो करने की जगह उसकी, चलो सुन लेता हूँ इसके इसका मन रखने के लिए, तो उसकी सुनना स्टार्ट कर देता है। तो वो उसकी अपनी लोनलीनेस है उसके बारे में बताता है, उसकी प्रीवियस पास्ट के बारे में बताता है। एक पॉइंट पे आके जो पीटर है ना वो मतलब कि तंग आ जाता है उसकी सुन सुन के। तो फिर जेरी है वो उसको जो उसको फोर्स करता है पीटर को, भाई तू मुझे अपनी लाइफ के बारे में बता। तो पीटर बताता है कि मैं हैप्पी मैरिड लाइफ हूँ, मतलब कि मेरी अच्छी लाइफ चल रही है, उसकी दो बेटियां हैं, उसके पास एक कैट है, एक डॉग है, दो पैराकिट्स हैं, ठीक है। जो पीटर है वो उससे मतलब कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछता जेरी से अपनी तरफ से। जो जेरी है वो ही मतलब कि जानबूझ के अनडिजायरेबल क्वेश्चन उसे पूछता रहता है। फिर जो जेरी है वो बताता है कि मैं एक मेरी तो आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है बट जो मेरी लाइफ है बहुत मिजरेबल है। मैं ना इंडिया के वेस्ट पार्ट के अंदर रहता हूँ और जो मेरी जो पोजीशन है वो बहुत अनसर्विंग है। जो उसकी जो नेबर है मतलब कि उसकी जो लैंड लेडी है वो बहुत अनसर्विंग है, उसका इतना ख्याल नहीं रखती। तो इसमें ना और उसके पास क्या है, एक पिक्चर फ्रेम है और दोनों एम्प्टी है, मतलब कि अंदर उसके पास कोई है ही नहीं जिसके वो पिक्चर्स उनके अंदर लगा पाए उस फ्रेम के अंदर। जो पीटर है वो बताता है कि भाई वो खाली इसलिए है क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर भी खालीपन है, मेरे पास किसी की फ़ोटोग्राफ नहीं है, कोई मेरा है नहीं जिससे मैं बातचीत कर सकूं। तो ये सब उसको बताता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको चाइल्डहुड में ही छोड़ के चले गए थे, तो इस वजह से उसकी लाइफ में अब कोई भी नहीं है। और टीनेजर एज के अंदर भी उसने ना एक बॉय के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप किया था जेरी ने, जो इतना नहीं चला। तो फिर जो जेरी है रिसेंटली अभी सेंट्रल पार्क से आया है और वो उससे बात करना चाह रहा है पीटर से, और उसको बताता है अपनी ट्रिप के बारे में, उसने वहाँ पे क्या क्या देखा। बट वो उन ट्रिप के बारे में बात ना करके अपनी लैंडलॉडी के लैंडलेडी के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है।
कि वो ड्रंक वूमेन थी, वो औरत होके शराब पीती थी, उसका एक डॉग भी था जिसके साथ वो ना बात करने की, फ्रेंडशिप करने की जैरी बहुत कोशिश करता है, बट उसका सारा अपोजिट होता है। जो डॉग है वो उसके ऊपर अटैक करता रहता है, जो जैरी है वो इस सब के बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो इतनी बार कोशिश कर चुका है उसको अपना फ्रेंड बनाने की, उस डॉगी को, बट वो हर टाइम उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो एक बार प्लान करता है कि वो उसको किल करेगा, क्योंकि वो उसका दोस्त तो बन नहीं रहा, तो वो ना एक बर्गर लेके आता है और अपनी लैंड लेडी के जो डॉग है ना उसको खिला देता है। वो सोच रहा होता है मेरा दोस्त तो बन नहीं रहा, क्यों ना मैं इसे मार दूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो जो डॉगी है वो मतलब कि थोड़ा बीमार तो होता है, बट कुछ टाइम बाद डॉक्टर की हेल्प से उसको जल्दी ही रिकवर कर लेता है, क्योंकि जो उसने जो पॉइजन जो मिलाया था उसके बर्गर के अंदर वो इतना ज़्यादा नहीं था जिससे वो मरे, कि फिर भी वो बच गया। तो ये सब बातें जो पीटर सुन रहा होता है वो इतना तंग हो जाता है, वो सोचता है कि ये कब यहाँ से जाए, कब मेरे को चैन आए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो जहरी है, वो उसको उलझा के रखता है अपनी बातों के अंदर। हाँ, अपने डॉग की स्टोरी सुनाने के बाद वो उसका टाइम वेस्ट करता रहता है, मतलब कि वो पूरी कोशिश करता है उसको मतलब कि कुछ ना कुछ बताने की कि ये यहाँ से ना जाए, उसको फोर्स करता रहता है। और फिर उसको बोलता है कभी तो यहाँ से हटो उस बेंच से, जो जहरी है वो पीटर को तंग करता है, कभी कहता है तू यहाँ से उठ, यहाँ से बैठ, मतलब उस बेंच पे उसको उठाने की कोशिश करता है। फिर जो उसको पुश कर देता है, जहरी पीटर को पुश करता है, फिर जो पीटर है उसको थोड़ा गुस्सा आता है, मतलब कि उसके जो बिहेवियर है, एब्सर्ड बिहेवियर है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है जहरी का, और वो अपना जो टाइम है वो और उसके साथ स्पेंड नहीं करना चाहता। तो जो पीटर है वो वहाँ से जाने की करता है, तो वो रोने से लग जाता है पीटर की। तो फिर जो जहरी है वो उसको बोलता है कि यहाँ पे सेंट्रल पार्क में कोई भी नहीं है दूर दूर तक जो तेरी हेल्प के लिए आएगा। तो उस टाइम वो ना एक नाइफ निकाल लेता है जहरी पीटर को हर्ट करने के लिए, और वो उसको जिद करता है कि तू मुझसे फाइट कर। जो पीटर है वो ये सब देख के बहुत शॉक हो जाता है, और वो अपने आप को किसी भी तरह बचाना चाहता है ना, उसके साथ वो लड़ना चाहता है ना, उसके साथ वो बात करना चाहता है, बस वो चाहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो फिर जो जहरी है वो उसकी तरफ ना एक चाकू फेंकता है जो उसके हाथ में होता है, तो जो पीटर है वो अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए उस चाकू को पकड़ लेता है। तो फिर जो जहरी है वो बहुत जानबूझकर अपने आप को हर्ट कर लेता है, जिस हाथ में उसने चक्कू पकड़ा होता है ना उसके ऊपर आके गिर जाता है और खुद को हर्ट कर लेता है और मर जाता है। इस तरह ये जो मतलब कि जो प्ले है ये एंड होता है, और ये सब उसने इंटेंशनली किया था। जब वो अपने आप को हर्ट करता है तो अपनी जेब से, उसकी कुछ ही सांसें चल रही होती है, तो अपनी पॉकेट से क्या निकालता है, हैंकी निकालता है, और उसके ऊपर जो पीटर के जो फिंगरप्रिंट्स थे उनको रफ कर देता है, और वो मर जाता है और कहता है ओ माई गॉड, ये उसके लास्ट वर्ड थे। और वो उसको कहता है पीटर को तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ पर देख ले, और जो ये बुक है वो भी अपनी यहाँ से ले जाओ और कोई तुम्हें नहीं देखेगा। और इस तरह जो ये प्ले है ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। अगर नहीं आया तो इट्स ओके, आप किसी और की वीडियो देखो, किसी और को सुनो, स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। डैट्स इट, थैंक यू, बाय।